वाराणसी के लक्ष्मी कुंड पर सजने वाला सुरैया मेला आज से प्रारंभ हो गया है। महालक्ष्मी मंदिर में 16 दिनों तक पूजा पाठ के लिए भीड़ उमड़ेगी। इस बार सुरैया मेले की शुरुआत सौभाग्य योग में हो रही है, जिससे श्रद्धालुओं पर कृपा बरसेगी। पहले दिन तो पूजा के लिए भक्त लक्ष्मी जी की विशेष प्रतिमा व उनका वस्त्र खरीदने में व्यस्त नजर आए। यहाँ आज शाम को 6 बजे अष्टमी लग रहा है और माता का सुरैया मेला कल सुबह से प्रारंभ होगा, जो 25 तारीख तक चलेगा और 26 को माँ की विराट आरती एवं वार्षिक श्रृंगार होगा। और इस दरमियान महिलाएं 16 दिन माँ की पूजा करती हैं, 16 गांठ का धागा बांधती हैं और माँ से विविध तरीके से पूजन अर्चन करती हैं एवं उनसे मनोकामना सिद्ध करती हैं। सुरैया मेला के क्या विधान है गुरु जी? 16 गांठें 16 मालाएं 16 श्रृंगार होता है इनका, 16 चीज चढ़ता है, 16 अक्षत है, 16 मालपुआ है, 16 प्रकार के सभी श्रृंगार माँ को अर्पण किया जाता है, जिसमें चूड़ी है और माँ के अनेक प्रकार की जो महिलाएँ श्रृंगार करती हैं वो माँ को अर्पण करती हैं। क्या मतलब इसे माँ को अर्पण करने से उनकी सुहागन होने का वरदान मिलता है और धन धान से पूर्ण होती है। ये प्रथा कब से चालू है? ये अनादिकाल से है, ये हमेशा से होता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष भादों के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से प्रारंभ होता है और ये अष्टमी तक चलता है कुवार की। इसके लास्ट वाले दिन क्या क्या करना पड़ता है, क्या चीज़? 16 दिन लास्ट में आकर व्रत रहती हैं और उसके बाद नवमी के दिन उद्यापन करती हैं। माँ के यहाँ आके 16 प्रकार के मिष्ठान चढ़ाती हैं, श्रृंगार चढ़ाती हैं और माँ को अनेक प्रकार से मन्नत मानती हैं कि हमारा सुहाग जीवित रहे। अब बात की जाए तो व्यवस्था की, तो जिस तरह से आपने बताया कि कल से और व्यवस्था आप प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की जा चुकी है और कल से ड्यूटी लगना शुरू हो जाएगा पुलिस का और मंदिर में कैमरा वगैरह भी लगा दिया गया है अभी से, और कल से पूरी तैयारी है एकदम।